हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ऑफिशियल खबर निकल के सामने आ रही है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर आज डिसीजन की भी बात कही जा रही है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जैसे कि आज 1 जून को ही फैसले करने थे, लेकिन आपके जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो एम्स में एडमिट हो गए, जिसके कारण जो है क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर जो है आपके पीएम यानी देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर जो है एक मीटिंग बुलाई है, जो आज इवनिंग में होगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो है आज फैसले होने की बड़ी बातें हैं। गवर्नमेंट को जो है आज मीटिंग उन्होंने बुलाया है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो मीटिंग में कही जा रही है कि आज जो मीटिंग होगी उसमें ऑल पॉसिबिलिटीज पे बातें होगी। इसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूरी कंप्लीटली जो है नरेंद्र मोदी जी देश भर के तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे पूरी तमाम जो है बातें होगी कि क्लास 12 को लेकर अभी तक आपने क्या सोचा है, और जितने भी सजेशन है वो सजेशन क्या निकल के सामने आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो है देश में कंडीशन क्या है, तो पूरी कंप्लीटली सब कुछ जो है आज मीटिंग में पूरी कंप्लीटली की जाएगी। और ये मीटिंग जो है आपकी नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया है क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर, यानी पूरी कंप्लीटली जो है स्टेक होल्डर्स पे बात होगी। और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जैसे कि बात आ रही थी, यानी कि सुबह ही बातें आ रही थी कि परीक्षाओं को लेकर नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है 3 ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कहा जा रहा था कि सीबीएसई बोर्ड ने इन 3 ऑप्शन को जो है आपके देश के पीएम जी को सामने रखा है। पहला ऑप्शन यही था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को ओनली मेजर सब्जेक्ट की परीक्षाओं को ले। दूसरा ऑप्शन था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को शॉर्ट एग्जाम के तरह यानी कि 30 मिनट का परीक्षाओं को लिया जाए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें ओएमआर सीट पे छात्र जो है पेपर देंगे और उनके स्कूल में ही होम वार्ड की बात निकल के सामने आ रही थी। और आखिर का जो थर्ड अपडेट यहां पे आ रहा था, तीसरा ऑप्शन जो है गवर्नमेंट के सामने आ रहा था कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के छात्रों का जो असेसमेंट दे दी जाए पास्ट 3 ईयर, यानी कि बात करें तो 9 के क्लास 10 और 11 के क्लासेस जो है तीनों के रिजल्ट के बेसिस पे जो है उनका रिजल्ट को जारी कर दी जाए, तो ये असेसमेंट की बात आ रही थी। और इसको लेकर जो है आज नरेंद्र मोदी जी ने क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर एक हाई लेवल भी मीटिंग बुला दी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ऐसी बड़ी बातें निकल के सामने आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इन तीनों ऑप्शन पे भी विचार होगी, और इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे जो है गवर्नमेंट अंतिम मुहर लगा देगी। यानी मुहर लगाने से पहले नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेक होल्डर से भी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं पे डिसीजन जो है वो खुद से दें, लेकिन उससे पहले वो सभी की अगुवाई में जो है ये फैसले करेंगे, उनके सजेशन को सुनी जाएगी। और ये पूरी कंप्लीटली जाना जाएगा कि 23 तारीख को जो मीटिंग हुआ था उसमें क्या क्या बातें निकल के सामने आई, सभी कुछ देखने के बाद नरेंद्र मोदी जी आज फैसले कर सकते हैं। तो ऐसे में क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि आज आपकी इवनिंग में मीटिंग होगी, उसके बाद देखने को निकल के सामने आता है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या ऑफिशियली आज ही जो है गवर्नमेंट स्टैंड क्लियर कर देती है या सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को। हेलो बच्चों, अगर आपके पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट्स का डाउट आपको मिलेगा डाउटनेट ऐप पे। साथ ही आप डाउटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डाउटनेट। क्लास 12 के छात्रों को स्टैंड जानने के लिए उन्हें 3 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तारीख को आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सीबीएसई बोर्ड की एक जो है ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये हाल ही में यानी कि सबसे लेटेस्टली खबर ये आई कि सीबीएसई बोर्ड अपना स्टैंड है वो आपके सुप्रीम कोर्ट में भी रखेगी, तो देखने को ये भी हो सकता है कि मीटिंग के बाद सब कुछ फाइनल हो जाए और वो फाइनल होने के बाद ऑफिशियली भी जारी की जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा उसे जो है 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट पेश की जाए, तो देखने को कई सारी पॉसिबिलिटीज है। आज इवनिंग के बाद जो है सबसे बड़ा अनाउंसमेंट की भी बातें कही जा रही है, तो इन खबरों पर लगातार क्लास 12 की एग्जामिनेशन को लेकर हम बने हुए। तभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्लास 12 को लेकर लगातार इस तरह के अपडेट पे बने हुए, तभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।